आज हम बनाने जा रहे हैं कुकर में आलू गोभी की सब्जी। आजकल की आप लोग जानती हैं कि गोभी अच्छा नहीं आता, तो इसलिए गर्म पानी में हम लोग उसको बॉईल कर लेंगे गोभी को, तब इसको हम बनाएंगे क्योंकि इसका सारा गंदा निकल जाए। ये है मसाला, इसमें हल्दी है, धनिया है और गर्म मसाला है, और ये है प्याज और लहसुन, मैंने छोटा छोटा उसको काट लिया है, और ये आलू को मैंने धो के इसको थोड़े देर के लिए इसमें पानी में डाल के रख दिया है। गोभी को आपने देखा ही, मैंने उबाल करके रख दिया। गोभी का अगर गोभी बनाना होता है तो उसको डंठल को छील के बनाया, क्योंकि गोभी उसमें अच्छे से पक जाता है। और ये मैंने तेल रख डाल दिया है इसमें, इसमें हम डालेंगे एक चुटकी हींग डाल दें। ये मैंने गोभी को डाल दिया फ्राई करने, गोभी देखिए लाल हो गया, फ्राई हो गया अच्छे से। इसमें हम प्याज डाल देंगे और लहसुन, मिर्चा मैंने नहीं डाला, आप लोग को मिर्चा डालना है तो डालिए, क्योंकि मैंने मिर्चा नहीं डाला क्योंकि मेरे घर छोटी सी बच्ची है। अब हम प्याज को भी अच्छे से भून लेंगे, प्याज में हल्का सा हम नमक डाल देंगे क्योंकि प्याज में नमक डालने से जल्दी फ्राई हो जाता है, अपने स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिएगा। इसमें हम मसाला भी डाल लेंगे, मसाला डाल के अच्छे से भून लेंगे इसको। अब इसमें हम डालेंगे धनिया पाउडर, आलू भी डालते रहेंगे इसको अच्छे से। मैंने दो तरीके से टमाटर काटा है, एक बड़ा एक एकदम छोटा, ये थोड़ा सा दिखेगा सब्जी में, ये नहीं दिखेगा, और स्वादिष्ट दोनों तरीके से। अब इसमें हम टमाटर डालेंगे, टमाटर हम थोड़ा सा आलू पका हुआ रहे तभी डालेंगे, क्योंकि खोल के पकाएंगे तो आलू नहीं पकेगा, खट्टा डालने से। इसमें हम कस्तूरी मेथी डाल देंगे, कस्तूरी मेथी, धनिया, आप कुछ भी डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा महक रहा है। इसको थोड़ी देर के लिए और पका लेते हैं, और इसमें हल्का सा पानी डाल के बंद कर देते हैं। ये मैंने आधा कर लिया, देख ही सकते हैं, एक सा पानी लिया मैंने, इसमें डाल देते हैं, इसको हम बंद कर देते हैं, सीटी आने तक वेट करते हैं इसका। चार सीटी हो गई, इसको हम बंद कर देते हैं। बताइएगा कैसा है।